हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक नया सेशन, जिसके लिए काफ़ी सारी डिमांड आई थी। आज मैं जॉब्स के लिए बातचीत करने वाला हूं, लेकिन मैं एग्जैक्टली किसी भी जॉब के लिए पाइल्स रीड नहीं कर रहा। देखिए, मैं आपको पहले बता दूँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत बार डिमांड आती है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब एक स्पेसिफिक टारगेटेड जॉब है और उसके लिए पाइल रीडिंग या जनरल रीडिंग गलत हो जाएगी। आपसे रेजोनेट भले कर जाए, लेकिन जो उसका फ्यूचर आएगा, जो उसका जो मतलब उस रीडिंग का जो फ्यूचर आएगा, वो आपसे मैच नहीं करेगा। भले 10-20 लोगों से मैच कर जाए, लेकिन सबका फायदा नहीं होगा, उसका नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं स्पेसिफिक किसी जॉब के लिए रीडिंग नहीं कर रहा, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जनरल रीडिंग इसी वजह से मैं नहीं कर रहा। आप सभी लोग इसको समझ लें, गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल पर्सनल चीज़ है आपके लिए, वो स्पेसिफिक। जैसे आप किसी कंपनी के लिए पूछें कि फला कंपनी में जॉब मिलेगी या नहीं, तो ये जनरल चीज़ नहीं है। करोड़ों लोगों को थोड़ी मिल जाएगी उस कंपनी में जॉब, तो ऐसे करोड़ों लोगों को जॉब नहीं मिल जाएगी गवर्नमेंट, तो वो स्पेसिफिक चीज़ है, वो पर्सनल रीडिंग में जाती है। तो जब पर्सनली कोई कनेक्ट होता है, तो बिल्कुल उनके लिए मैं वो बताता हूँ। तो आज जॉब के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, कंपिटिटिव एग्जाम्स अगर जॉब के लिए आप दे रहे हैं तो उसका क्या फ्यूचर है। यहाँ पहले डिफाइन कर दूं कि वो एग्जाम्स जो आप किसी एजुकेशनल सेंटर के लिए दे रहे हैं, किसी एडमिशन के लिए दे रहे हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। तो आज मैंने इस तरह से सेग्रीगेट कर रखा है। आज की रीडिंग इस चीज़ पर बेस रहेगी कि अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो एग्ज़ाम आपका रिटन हो, ओरल हो, वाइबा हो, व्हाटएवर जो भी हो, जिस भी मोड में हो, उसका कोई मतलब नहीं है, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कुछ भी हो, उस एग्ज़ाम का आपके जॉब मतलब उस एग्ज़ाम को देने के बाद आपको जॉब मिलने के कितने चांस हैं, कितने नहीं हैं, इस चीज़ का आकलन आज मैं इस रीडिंग में करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने जैसा बता दिया कि इसका आपके एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप किस जैसे कभी कभी किसी एजुकेशन सेंटर में या स्पेसिफिक एजुकेशन के लिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसकी रीडिंग अलग रहेगी, वो भी मैं लेकर के आऊँगा। और कुछ समय के बाद मैं बता दूँ कि मैं केवल एग्ज़ाम्स के लिए भी रीडिंग करने वाला हूँ बहुत जल्दी, जो बच्चों के लिए होगा, जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि कॉलेज लेवल से नीचे वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी एग्ज़ाम की रीडिंग करने वाला हूं। तो आज की वीडियो को मैं शुरू कर रहा हूं। तीन पाइल्स मैंने बनाई हैं इस बार भी, हर बार की तरह आपकी स्क्रीन पे अब तीनों पाइल्स सामने आ गई हैं। पहली पाइल प्रिंस ऑफ द सॉर्ड्स, दूसरी पाइल प्रिंस ऑफ द पेंटिकल्स और तीसरी पाइल प्रिंस ऑफ द वॉन्ड्स है। यहाँ पर प्रिंस को लेने का जो मतलब था, ड्राइट क्राफ्ट टैरो के ये तीनों कार्ड्स हैं और जो प्रिंस हैं ये अपने आप में बड़े आक्रामक होते हैं, ये मर्सीलेस होते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आए हुए हर रोड़े को, हर मुश्किल को बेदर्दी से कुचल देना इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है। और अगर अब आपको जॉब चाहिए, अपना कैरियर बनाना है, तो एक्चुअली आपको यही करना होगा। किसी के लिए दया की भावना मन में ना रखें, पहले अपनी नौकरी ले लें, अपनी जॉब ले लें, उसके बाद दया माया जो दिखानी है वो दिखाएं। तो इस वजह से मैंने प्रिंस को लिया है। ये जो प्रिंस एपोस्ट्रॉफी एस है, तो वो प्रिंसेस निकल गया मुझसे, वो प्रिंसेस नहीं है, वो लड़की वाला प्रिंसेस नहीं है, ठीक है। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, मतलब प्रिंस का बहुवचन इंग्लिश में बोलना, तो मैं प्रिंस बोलता हूँ। तो इसीलिए तीन प्रिंस को मैंने लिया है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पाइल नंबर 1 प्रिंस ऑफ द स्वॉर्ड्स, पाइल नंबर 2 प्रिंस ऑफ द पेंटिकल्स और पाइल नंबर 3 प्रिंस ऑफ द वॉन्ड्स रहेंगे। और हर बार की तरह से इस बार भी तीनों पाइल्स के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं। जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनको बता दूं कि आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में जाकर के अपनी पाइल के टाइम स्टैम्प पर जैसे ही क्लिक करते हैं, तुरंत आप वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड हो जाएंगे और अपनी पाइल पर पहुंच जाएंगे। और अब मेरे जो एडिटर हैं उन्होंने चैप्टर वाइज लगाना शुरू किया है, तो कुछ लोगों को अगर वे बड़ी स्क्रीन पर देखते होंगे या टैब पे देखते होंगे, कंप्यूटर पर, टीवी पर अगर देखते होंगे इसको, तो आपको चैप्टर वाइज भी चीज़ें मिल रही होंगी। हर एक चैप्टर उन्होंने अलग कर दिया है। तो खैर, उन सभी लोगों का एक बार स्वागत करता हूं जो मेरे साथ आज पहली बार जुड़े हैं। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नए सब्सक्राइबर, आपका भी धन्यवाद। एस्ट्रो गुरु चैनल 50,000 के क्राइटेरिया को पार कर चुका है। 50,000 सब्सक्राइबर का हमारा परिवार हो चुका है, हमारी फैमिली हो चुकी है एस्ट्रो गुरु की। और इसमें इस 50,000 सब्सक्राइबर्स को अचीव करने में आप सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान मेरे साथ रहा है, बहुत प्यार रहा है, जिसके लिए मैं दिल से आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग भी करता हूं, तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं। तो यहां बता दूं कि ये जो नंबर है ये व्हाट्सएप नंबर है। मेरी टीम कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर व्हाट्सएप ऑपरेट करती है। जब आप इस नंबर पर हाय, हेलो या कुछ भी लिख करके भेजते हैं, तो वो मेरी टीम को मिलता है, मुझे नहीं मिलता है। मेरी टीम आपको
तुरंत कांटेक्ट करती है, कुछ मिनटों में ही आपसे कांटेक्ट करती है और आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना शुरू करती है कि आपकी मेरे साथ अपॉइंटमेंट कैसे बुक होगी। तो वो चीज़ें आप मेरी टीम के साथ कंसल्ट कर सकते हैं और फिर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी पाइल में और जानते हैं कि कंपटीशन का एग्ज़ाम जो आपने अपनी जॉब के लिए दिया है, ये देखिए कंपटीटिव एग्ज़ाम या एग्ज़ाम जो भी आप समझें इसको, कंपटीटिव एग्ज़ाम या एग्ज़ाम जो जॉब के लिए है, उसका फ्यूचर आपका क्या है। तो मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर वन, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर प्रिंस ऑफ द स्वॉर्ड्स को चूज किया था, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स को लगा दिया गया है, तो आपकी पाइल नंबर वन है। और अब आपके लिए रीडिंग शुरू करूंगा और बताऊंगा कि जॉब के लिए जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, देने वाले हैं, उसका परिणाम क्या होगा। ये जनरल रीडिंग है, तो जब भी आप इसको देख रहे हैं वहीं से ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। और चूंकि ये जनरल रीडिंग है तो 70 से 100% के बीच ही रेजोनेशन रहेगी। तो चलिए पाइल नंबर वन आपके लिए रीडिंग शुरू करता हूं और देखता हूं। और अब आगे जो जो आप लोग डिमांड कर रहे हैं, मेरा पूरा सेटअप बन गया है। आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को जानकर खुशी होगी, जो एक कंप्लेंस चल रही थी कि एस्ट्रो गुरु चैनल पर वीडियोस कंसिस्टेंट नहीं हो रहे हैं, बड़े डिले होकर आ रहे हैं, वो कंप्लेन अब बंद हो जाएगी क्योंकि मेरा सेटअप बन गया, पूरी तरह से तैयार हो गया है। और नेक्स्ट वीक से एस्ट्रो गुरु का जो सेकेंड चैनल है, एस्ट्रो गुरु कृष्ण, जो मेरे नाम पर है, उस पर भी वीडियोस लगातार आएंगे। तो पाइल नंबर वन आपके लिए, पहला कार्ड मेरे पास द एम्परर, मेजर अर्कैना से आया था। दूसरा कार्ड भी मेजर अर्कैना से, स्ट्रेंथ। तीसरा कार्ड आया हुआ है एस ऑफ द वॉन्ड, वॉन्ड्स के हाउस से। चौथा कार्ड आपके लिए आ रहा है सेवन ऑफ द पेंटिकल्स। और लास्ट कार्ड आपके लिए आया है किंग ऑफ द स्वॉर्ड्स। तो पांच कार्ड्स अपीयर हो चुके हैं मेरे पास। ओके, तो पाइल नंबर वन, कंपिटिटिव एग्जाम के लिए आपकी तैयारी, या ये कहें कि आपने अपने आप को इस चीज के लिए बिल्कुल प्रिपेयर कर लिया कि ये एग्जाम या ये जॉब का जो एग्जाम है, इसे क्वालिफाई करके रहेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे, अपने आप को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे और जॉब को अचीव करके रहेंगे। और आपके लिए जो ये एग्जाम है, ये एक तरह से प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। याद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब इस समय आप बड़े ही सोच में पड़े हैं कि क्या होगा। मतलब वो जैसे होता है ना कि समझिए कि बिल्कुल समुंदर को पार करना है, समुंदर को पार करना है, और नाव को खेते चले गए, चप्पू चलाते चले गए, और एकदम किनारे पर पहुंच के कहते हैं कि अरे डूब ना जाए यार। भाई किनारे पर पहुंच कर क्यों कहते हो डूब जाए, आप तो किनारे लग गए, अब तो सिर्फ उतरना बाकी है। तो आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा था, हालांकि शुरू में आपने थोड़ा सा अपने आप को डिसीजन लेने में थोड़ा परेशानी महसूस करी होगी, लेकिन उन चीज़ों के अलावा आपने चैलेंज को जिस तरह स्वीकार किया और उस चैलेंज पर जिस तरह से काम किया, वो एक्चुअली काबिले तारीफ है और उसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन अपने आप को आपको अब थोड़ा डिप्रेस भी नहीं करना चाहिए, जरूर से ज़्यादा शोचनीय मुद्रा नहीं रखनी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा थिंकेबल नहीं होना है, और फ्यूचर के लिए बिल्कुल घबराना नहीं है। जितना ज़्यादा आप अपने में स्टेबिलिटी महसूस करेंगे, जितना अपने माइंड को स्टेबल करेंगे और बिना हिचकिचाए आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें हिचकिचाहट क्या है कि आपको लगता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, इफ़ या बट में परेशान है। इफ़ या बट में अगर आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, अगर होगा या नहीं होगा, शायद होगा या नहीं होगा, तो आप अपने ऊपर बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। जो होना है वो तो होगा, आप उस चीज़ को ना रोक सकते हैं ना कंट्रोल कर सकते हैं। बस आप एक चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं और वो है अपने आप को और अपने माइंड को। आप ना तो फ्यूचर कंट्रोल कर सकते हैं ना अपने भाग्य को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप बिना हेजिटेट हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए सफलता सुनिश्चित है, इस चीज़ को जान लें, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी है, हर चीज़ आपने सिस्टमेटिक ढंग से करी है। बस इस समय आकर के आपके मन में हेजिटेशन आ गया है, नकारात्मक विचार आ गए हैं, फ्यूचर में आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे इस बात को लेके उलझन आ गई है। आइए अब जेन कार्ड की मदद लेते हैं और जानते हैं थोड़ा डिटेल में कि आपके लिए गाइडेंस क्या है और आपका फ्यूचर जो ये आ रहा है कि आपको इस मतलब जो भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं अपने जॉब के लिए, उसमें सफलता भी मिलेगी और आपके लिए आने वाला समय बढ़िया भी रहेगा, जॉब मिल सकती है आपको। तो इसके बारे में जेन कार्ड्स की क्या इन्फॉर्मेशन है। किसी ने मुझे कमेंट किया था, जेन कार्ड ना कहें, ओशो टैरो जेन कहें। जी हाँ, ये जेन कार्ड्स हैं जिनको ओशो ने डिज़ाइन किया था।
हर कार्ड के पीछे ओशो के खुद के सिग्नेचर्स हैं। ओशो से मेरा जो कनेक्शन है उसके बारे में मुझे किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। ओशो से कनेक्शन बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जिन लोगों ने ओशो को पढ़ा है, जो लोग ओशो को जानते हैं, वो इस बात को भी समझते होंगे कि ओशो से कनेक्टिविटी होने की मीनिंग्स क्या हैं। मैं आपको यहाँ समझा नहीं सकता कि मेरा और उनका क्या कनेक्शन है, मेरा और उनका क्या रैपो है। वे अभी शरीर में नहीं हैं, वे इस प्लेनेट को छोड़कर चले गए हैं। उनकी समाधि पे लिखा है ओनली विजिटेड ऑन दिस प्लेनेट अर्थ बिटवीन, तो 1990 के आसपास में, 1992 में एक्चुअली वो गए थे। तो उस कनेक्शन को मैं ना तो यूट्यूब पर समझाना चाहता हूँ और ना मुझे किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत है। और ये कार्ड ओशो नहीं है, ये कार्ड सिर्फ कार्ड हैं, जेन कार्ड हैं, बस इतना ही है। तो चलिए जेन कार्ड से निकलता हूँ, पहला कार्ड आपके लिए, और ये आया है क्रिएटिविटी का। कार्ड नंबर टू आपके लिए आया है टर्निंग इन। नंबर थ्री पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है ये है द सोर्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए जो कार्ड है ये है अलोननेस। इस कार्ड का नाम अलोननेस है, ना कि लोनलीनेस, नहीं लोनलीनेस नहीं है, अलोननेस है। और लास्ट में आपके लिए जो कार्ड आया हुआ है इसका नाम है क्लिंजिंग द पास्ट। तो आपके लिए सारे कार्ड्स आ चुके हैं। तो पाइल नंबर वन, जैसा कि मैं कह रहा था कि आपको यहां पर जेन कार्ड्स भी मुझे यही बता रहे हैं कि इस समय आप अपने आप को थोड़ा अलग थलग सा महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि पीछे कुछ गलतियां जरूर हुई हैं, कुछ चीजें छूट गई हैं या कुछ चीजें छूटनी स्वाभाविक हैं जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद नहीं होंगी। अगर आप अपनी पास्ट की कनेक्टिविटी को फ्यूचर के साथ जोड़ देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर का कोई कनेक्शन होता नहीं है। एक्चुअली प्रेजेंट है बीच में, जिसका फ्यूचर से कनेक्शन होता है, पास्ट का प्रेजेंट से, प्रेजेंट का फ्यूचर से। लेकिन पास्ट का अगर फ्यूचर से कनेक्शन हो जाए तो यह राउंड हो जाएगा। समझ गए बात को? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब अगर फ्यूचर को मोड़ दें तो फ्यूचर पास्ट से कनेक्ट हो जाएगा और पूरा रोल हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। जो बीत गया वो बीत गया, वापिस नहीं आ सकता। इसीलिए भगवान विष्णु के जितने अवतार होते हैं हर बार नए रूप में आते हैं, कभी वो पुराने अवतार को रिपीट नहीं करते हैं। कभी भी राम बन के दोबारा नहीं आएंगे, कृष्ण बन के भी दोबारा नहीं आएंगे। मैं आम इंसान हूँ, कई लोग मेरे बारे में यूट्यूब पे लिख देते हैं कि आप कृष्ण हैं, ये उनकी श्रद्धा, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद है। मुझे थैंक यू उन लोगों को मैं कहूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं उनकी भावनाओं की कद्र नहीं करता, उनकी भावनाओं की कद्र बिल्कुल करता हूँ, उनके लिए दिल से आभारी हूँ। थैंक यू आप लोग मेरे बारे में ऐसा अगर सोचते हैं, लेकिन मैं सिर्फ साधारण इंसान हूँ, जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ। तो मैं यही इतना कह रहा था कि हर बार हर चीज़ अलग होती है। तो जो पास्ट आपका बीत गया वो बिल्कुल बीता हुआ पास्ट है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है, खत्म हो गया, वो बिल्कुल मिट गया, मिटी हुई चीज़, इतिहास लौट के नहीं आता, तो वो पास्ट है। उसमें अगर आपने कुछ गलतियां करी हैं तो उसका ना प्रेजेंट से कोई लेना देना, ना फ्यूचर से कोई लेना देना। हालांकि उन गलतियों का भुगतान आप प्रेजेंट और फ्यूचर में कर सकते हैं। पास्ट में आपने अपनी एजुकेशन अच्छी नहीं करी तो प्रेजेंट में आपकी एजुकेशन खराब होगी, उसका इम्पैक्ट फ्यूचर पर भी पड़ सकता है। लेकिन पास्ट में जो गलतियां की गई हैं प्रेजेंट में उनको सुधारा भी जा सकता है, प्रेजेंट को बेटर किया जा सकता है ताकि फ्यूचर बेटर हो जाए। सब्जी जल गई थी कल, तो इसका यह मतलब थोड़ी आज वाली जल जाएगी, कल की जली हुई सब्जी से सबक ले लीजिए। लड़के भी खाना बनाना जानते हैं, ऐसा ना समझे कि मैं खाली लड़कियों को समझा रहा हूँ, लड़कों आपको भी समझा रहा हूँ। और यार अगर आप लोग खाना बनाना नहीं जानते हो तो बहुत बुद्धू हो, बड़ा मजा आता है खाना बनाने में, कभी बना के देखना। मैं तो बनाता हूँ, कभी कभी बनाता हूँ, हमेशा नहीं बनाता। तो जरूरी नहीं कि आज की भी सब्जी जल जाए, और अगर आपने कल जलाई थी आज फिर जला दी, परसों फिर जलाने वाले हैं, तो आपको ना डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन अगर आप सीख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, 4-6 दिन 10 दिन 20 दिन जलाइए, उसके बाद सही बनेगी। लेकिन अगर आप कंटिन्यू भी जला रहे हैं, सालों से जला रहे हैं, तब तो फिर बहुत गलत हो रहा है ना, इसको समझें। दूसरा, अपने माइंड में दूसरे लोगों के विचारों को मत डालिए। इंपॉर्टेंट चीज आई आपके लिए टर्निंग ऑन का कार्ड, जो कहता है दूसरे लोगों के विचार जो आपके दिमाग में घुस जाते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, वो प्रॉब्लम कर देते हैं। अगला, होपफुल बहुत हो जाते हैं, कभी कभी इतना होपफुल, अरे गजब अब हट जाओ, मेरी नौकरी लगने वाली है, मैंने तैयारी कर ली है, मैंने पढ़ाई कर ली है, सब कुछ तैयार है, सब कुछ बढ़िया है, दिमाग में ऐसी फीलिंग आती है और अगले दिन टाइम टाइम फिश। मजेदार होता है ना, आपके बारे में ऐसी चीजें जान जाना, मेरे लिए कभी कभी मेरे लिए भी मजेदार होता है। अच्छा, तो जो मैं आपको बता रहा था, पहला तो बताया ना, पास्ट से कनेक्शन को तोड़ दीजिए, उसकी जरूरत नहीं, वो मिट गया,
अब इतिहासकार खोदेंगे, उसको निकालेंगे, वो उनका काम है, उनको करने दीजिए, आप इतिहासकार नहीं हैं। और अगर भविष्य में बनेंगे तो खोजिएगा आप, तो सरस्वती नदी को भी खोज रहे हैं, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने फंड, सुना मैंने, सेंक्शन कर दिया, बहुत बढ़िया बात है। तो जब सरस्वती नदी मिल जाएगी तो उसके बाद में फिर और भी चीज़ें, खैर अब वो दूसरी चीज़, पुरातत्व विभाग में नहीं जाते हम लोग। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, किसी एक पर्सन ने किसी तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक किया था तो उसके नक्शे कदम पर मत चलिए, समझ गए बात को। कुएं से पानी नहीं भर रहे हैं कि उसने रस्सी डाली ऊपर खींची पानी आ गया, मैं भी रस्सी डालूं ऊपर खींचूं पानी आएगा, नहीं आएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। तो आपको अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करना होगा, क्या आप करें, कैसे आप करें, ये आपका अपना तरीका है। जैसे एग्जाम्पल क्या दूँ मैं आपको, जैसे मेरे कार्ड रीडिंग बिल्कुल अलग तरह की है, दूसरे रीडर्स की बिल्कुल अलग तरह की है, तीसरे की बिल्कुल अलग तरह की है, हर कार्ड रीडर की रीडिंग बिल्कुल अलग होती है, मतलब हमारा पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। तो ऐसे आपका पैटर्न बिल्कुल अलग है, तो उस चीज़ के लिए अपने आप में क्रिएटिविटी को लेकर के आए। आपका मन थोड़ा क्रिएटिव होता है तो क्रिएटिव हो जाए, ज़रूरी नहीं कोई बैठ कर ही पढ़े, कुछ लोग लेट कर भी पढ़ सकते हैं, एक एग्जाम्पल है, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप लेट जाएं। अगली चीज़, जब पढ़ाई करते समय तैयारी तो करेंगे एग्जाम की, तभी आप पास होंगे, एग्जाम की तैयारी करते करते कभी कभी जो डिप्रेशन वाली भावनाएं मन में आ जाती हैं, उस डिप्रेशन में अपने आप को इन्वॉल्व कर दें। डिप्रेशन बड़ी काम की चीज़ होती है, आपको पता नहीं होगा, निराशा भी कभी कभी उपयोग में लाई जा सकती है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। निराशा को उपयोग में लाने का तरीका यह है कि जब आप पूरी तरह निराशा भी पूरी तरह निराश होने पर डिपेंड करती है। अगर आप पूरी तरह निराश नहीं हैं तो दैट मीन्स आप निराश नहीं हैं, समझ रहे हैं। सब्जी पकी है या नहीं पकी है, बीच में कुछ नहीं होता ना, आधी पकी आधी ना पकी, आधी नहीं पकी तो कहते नहीं पकी है, ठीक है। रोटी या तो सही बनी है या नहीं बनी है, दो ही चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही आप हैं, या तो आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं, आप आधा सोए आधा जागे नहीं रह सकते कि एक आँख सो रही एक आँख जाग रही, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए निराशा भी आधी अधूरी नहीं होती। जब आपका मन होता है ना, कहते हैं मैं थोड़ा थोड़ा निराशा फील कर रहे हैं, तो तुरंत जान जाइए कि वो जो थोड़ा थोड़ा फील कर रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी आप आशावान हैं, अभी भी होप है, परेशान नहीं है। जब निराशा पूरी आ जाए तो उस निराशा के साथ चले जाएँ, क्योंकि जब निराशा पूरी आती है तो निराशा आपको ज़मीन पर ले आएगी। और जब आप एक बार धरातल पर आ गए, यहाँ तक समझ गए आप, जब एक बार निराश होकर धरातल पर आ गए तो उससे नीचे कहाँ जाएंगे, नहीं जा सकते। तो अब निराशा को इस्तेमाल करिए और ऊपर उठना शुरू करिए। जब आप एक्सट्रीम लेवल पर पहुँच जाते हैं तो वहाँ से रिटर्न हो सकते हैं, पहाड़ की चोटी पर पहुँचने वाला व्यक्ति ही वहाँ से वापिस आ सकता है, और बाकी जो आधे रास्ते से वापिस आए वो तो पहाड़ पर कभी गया ही नहीं, वो कहेगा मेरी तो यात्रा ही अधूरी थी, ठीक। तो इसलिए अपने आप को निराश ना करें, पहली चीज़। दूसरी, अगर निराशा आती है तो उसके साथ चले जाएं, चले चले ना कि देखें कि निराशा है, मन में आ गई ना निराश, मैं निराश हो रहा हूँ, मैं तो लगता है मेरा एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, जॉब नहीं लग पाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इनने कहा उनने कहा, तो उस निराशा की भावना के साथ चलते चलें कि चलो ठीक है मेरी निराशा आ गई, इसके साथ चलते हैं, देखते हैं ये असली वाली है कि नकली वाली है। अगर असली है तो आपको नीचे धरातल पर पहुंचा देगी, एकदम आप निराश हो जाएंगे, होप वोप खत्म हो जाएगी, आपको लगेगा अरे भैया आप तो कुछ हो नहीं सकता, ज़िंदगी ख़त्म, कोई नौकरी वोकरी नहीं मिलनी है, कोई मैं एग्ज़ाम में 10 नंबर भी नहीं आएंगे, ऐसी निराशा आ जाएगी। जब एक्सट्रीम वाली आएगी तो आपको लगेगा अरे बैठ गया तो माइनस मार्किंग हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 नंबर आ जाए, ऐसी निराशा आ जाएगी। तो उस एक्सट्रीम पर जब पहुँचे तो मेरी बात को याद रखिएगा कि अरे गजब, अब तो मैं एक्सट्रीम लेवल पर हूं और यहां से सिर्फ एक रास्ता बचता है और वो है ऊपर उठने का, क्योंकि अब यूटर्न के अलावा दूसरा रास्ता, उसके नीचे जाएंगे कहां। पूरी तरह से निराश हो गए तो वो और नीचे जा सकते हैं, नहीं जा सकते ना, बस उससे फिर ऊपर उठिए। अपने आप को जितना ज्यादा सजग रखेंगे, अपने आप के प्रति सजग रखेंगे, अपने आप के प्रति काम करेंगे, अपना मार्गदर्शन स्वयं करेंगे, अपने तरीकों को, अपने एग्जाम की तैयारी करने के तरीकों को दूसरों से नहीं शेयर करेंगे, अपने मुंह से बहुत ज़्यादा अपनी तारीफें नहीं करेंगे, चीज़ अचीव हो जाएगी। ये सब उल्टा करेंगे तो सचमुच उल्टा हो जाएगा। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज इतना ही। उम्मीद है आपको आज की रीडिंग समझ में भी आई होगी, थोड़ी सी साइकिक चली गई थी मुझे पता है बीच में, कन्फ्यूज़न अगर कहीं हो तो दोबारा सुन लीजिएगा, दोबारा सुनेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कभी कभी इनकी जो लैंग्वेज होती है बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, उसको आसान वैसे करने की कोशिश करता हूँ लेकिन कभी कभी मुश्किल होता है। तो खैर, पाइल नंबर 1 आपके लिए आज इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।
एक नए टॉपिक के साथ में, और अगली बार कंपटीशन या एग्जाम का टॉपिक नहीं, कोई जनरल टॉपिक लूंगा, और कंपटीशन और एग्जाम्स के ऊपर भी मैं मल्टीपल वीडियोस लाऊंगा। तो सजेशन आप सभी के आमंत्रित हैं कि किस तरह के, देखिए मैं सीधा बता दूं, गवर्नमेंट जॉब पे रीडिंग नहीं करने वाला मैं दूसरे कोई करता है तो करने दीजिए, मुझे लेना देना नहीं है, क्योंकि वो गलत रीडिंग होगी और मैं गलत रीडिंग करता नहीं हूँ। तो जो भी सजेशंस आपके होंगे आप दे सकते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मोस्टली सजेशंस को व्हाट्सएप नंबर पर डाल दें अपने नाम के साथ में, सीधा लिखें व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, सिटी का नाम लिख दें और सजेशन फॉर YouTube वीडियो सीधा डाल दें, वो सजेशन मेरी टीम मेरे पास फॉरवर्ड कर देगी। उसका रिकॉर्ड रखना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि मैं YouTube पर जो आप कमेंट करते हैं उसके रिप्लाई मैं करता हूँ, और जब मैं रिप्लाई करता हूँ तो बस मैं फ़ोन पर या टैब पर रिप्लाई कर रहा होता हूँ, और वो मेरे लिए नोट करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि कोशिश करता हूँ कि नोट करूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, फिर भी आप अगर व्हाट्सएप पर कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो पाइल वन अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक बाय बाय। हेलो पाइल नंबर टू, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर प्रिंस ऑफ द पेंटिकल्स को चूज किया था, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको, तो अब आपके लिए रीडिंग शुरू करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप अगर किसी जॉब के लिए किसी एग्जाम में जा रहे हैं, एग्जाम में मतलब कुछ भी कोई एग्जाम दे रहे हैं। अच्छा, एग्जाम से याद आया कि मुझे एक वीडियो इंटरव्यू पर भी बनाना है, तो वो मैं जल्दी ही बनाऊंगा। खैर, तो अगर किसी एग्जाम में आप जा रहे हैं, एग्जाम में बैठ रहे हैं, और उसका संबंध सीधे सीधे आपकी नौकरी से है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और पाइल नंबर टू, अब आपके लिए इस टॉपिक के ऊपर मैं रीडिंग शुरू कर रहा हूँ। आपके लिए मेरे पास कार्ड नंबर वन क्वीन ऑफ द कप्स, कार्ड नंबर टू आपके लिए है जस्टिस, नंबर थ्री की पोजीशन पर आपके लिए थ्री ऑफ द वॉन्ड्स, नंबर फोर पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है सन, और लास्ट में नंबर फिफ्थ पर आपके लिए कार्ड आया है एट ऑफ द कप्स का। सारे कार्ड गजब के आए हैं, इंफॉर्मेशन आनी शुरू मेरे पास। पाइल नंबर टू, कंपटीशन का एग्जाम या जॉब के लिए जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसको लेकर के आपके मन में इस समय काफी होप है। एक्चुअली आप होपफुल हैं, जो देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपको लगता है कि इस एग्जाम को आप निकाल लेंगे और आपकी जॉब लग जाएगी। आपका सोचना काफी हद तक सही है। यहाँ इस बात को जानने की जरूरत भी है कि आप शुरुआत में इतने होपफुल नहीं थे, क्योंकि प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी। शुरुआत में आपको लगता था, आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिनको इन्फ्लुएंस करके फैमिली ने इस एग्जाम में बैठने के लिए थोड़ा सा फोर्स किया होगा, तो वे सभी लोग शुरुआत में थोड़ा हेजिटेट महसूस किए या थोड़ा सा खिंचाव महसूस किए कि इस चीज़ में नहीं जाना है। लेकिन फिर जैसे कहते हैं ना कि किस्मत आपको खींच लाती है, या ये कहें कि जो चीज़ डेस्टिनी में होती है वो आपको खींच के लाती है। अभी मैंने बताया नहीं आपका ये फ्यूचर में डेस्टिनी है या नहीं, तो उस तरह से चीज़ें सेट हुई और आप इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए। लेकिन फिर थोड़ा समय पहले की बात करते हैं, तो आपको लग रहा था कि शायद आपका जो तैयारी है वो भी नहीं हो पाएगा, आप पूरा कर ही नहीं पाएंगी, और अपने आप में आपको लगता था कि एक ऐसा मोमेंट आपके साथ चल रहा है, ऐसा समय आपका चल रहा है जब किस्मत या जिंदगी आपके साथ फेयर चीज़ें नहीं कर रही, अनफेयर चीज़ें बहुत सारी हो रही हैं, ऐसा आपको फील हो रहा था। और उस समय आप बड़ी परेशान हो गई थी, और आपने सोचा कि इस अनफेयर सिचुएशन के साथ टॉलरेट करने की बजाय फाइट करना चाहिए। और जब आपने फाइट किया, आप बाहर निकल आए, और न सिर्फ बाहर निकल आए बल्कि मजबूती से बाहर निकले, लेकिन भविष्य को लेकर के निराशा की भावना के साथ। बट प्रेजेंट टाइम में आपकी निराशा की वो पुरानी भावना आशा में बदल गई है। आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको अपना नेचर पता है ना कि आप कैसे हैं, आप अपने टारगेट्स को शिफ्ट कर देते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि चीज़ें हो सकती हैं, और फिर आपको लगता है कि इस चीज़ की मेरी लाइफ में ज़रूरत नहीं है, तो वो जो ज़रूरत नहीं है वाला मामला है वो आपको निर्मोही नहीं बनाता, निर्मोही दूसरी चीज़ है, वो आपको यूज़लेस पर्सन में कन्वर्ट कर देता है। जब आपको कभी कभी फील होता है ना कि अरे यार मेरी कई गलतियों की वजह से कई सारी अपॉर्चुनिटीज छूट गई, तो वो एक्चुअली छूटी नहीं है, आपने छोड़ी हैं। आपके छोड़ने का कारण ये रहा कि आपने उन अपॉर्चुनिटीज़ में वो चीज़ नहीं देखी जो आपके अंदर एक चाहत, एक एंथुजियाज्म पैदा करे, एक क्यूरियोसिटी पैदा करे। आपने उसके बोरिंग पहलुओं को देखा और उस चीज़ से खुद को हटा लिया। ये चीज़ें फ्यूचर में भी आ सकती हैं, आपके एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई कर सकते हैं, इसके चांसेस हैं।
लेकिन या क्वालिफाई करने की कंडीशन तक पहुंच सकते हैं, इसके चांसेस हैं, लेकिन वहां से हट भी सकते हैं, कुछ लोग एग्जाम में बैठने से ही हट जाएं, ये भी पॉसिबल है जिन्होंने पाइल नंबर टू चूज किया था। अब अगर आप चीजों से बीच से हट जाते हैं तो आपको उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला, इसको समझ लें। लेकिन अगर आप हटने से मना कर देते हैं, आप अपने लिए उस टफ सिचुएशन में खुद को टिकाए रखने की योग्यता रखते हैं या योजना बना लेते हैं, जैसे वो होता ना बहाव में भी पैर को टिका करके रखना ताकि नदी का बहाव बहा ना ले जाए, तो वो योग्यता बना लेते हैं, तो चीजें आपके फेवर में आ जाएंगी और इस कंपटीशन के बाद या इस एग्जाम के बाद आपको एक्चुअली जॉब मिल जाएगी। फिलहाल एक बार जेंटैरो की भी हेल्प ले लें कि जेंटैरो इसमें क्या बताते हैं। जेन से आपके लिए पहला कार्ड आया है क्लिनजिंग द पास्ट। सेकेंड पोजिशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है यह है रिपनेस। पोजिशन नंबर थ्री माइंड। नंबर फोर फ्लोरिंग। और लास्ट में नंबर फाइव आपके लिए आया है रीबर्थ। रीबर्थ के कार्ड का लास्ट में आने का जो मीनिंग है फ्लोरिंग के साथ इंटरप्रिटेशन इनकी शुरू हो गई मेरे बोलने से पहले ही, दोनों कार्ड आपस में बतियाना शुरू। खैर अब इन्होंने फिर रोक दिया है, दोनों की बातचीत को चलने देते हैं, वो दोनों आपस में समझौता करें, तब तक हम दूसरे कार्ड्स को देख लेते हैं। आप अपने आप में जो गिल्ट की भावना को लेकर के चलते हैं वो आपकी दुश्मन है, उस चीज को हटा दीजिए। बीत गया जो बीत गया वो बात गई, खत्म हो गया, लौट के नहीं आ सकता, वो चीज आ ही नहीं सकती। उस चीज को इशू ना बनाएं अपनी लाइफ में। दूसरे लोगों ने अगर उसे इशू बना रखा है आपकी लाइफ में, दूसरे लोग उस चीज को आपको बार बार याद दिलाते रहते हैं, तो जैसा मैं कई बार बता चुका हूं कि मान के चलें कि ये लोग आपके फैंस हैं और इन्हें आपकी लाइफ में इतना इंटरेस्ट है कि आपकी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ कर रखते हैं, तो दिस पीपल आर योर फैंस, उनसे परेशान मत होइए, उनको अप्रिशिएट करिए। ओके कम ऑन गाइज, मेरे बारे में बात करो, बुराई करो थोड़ी सी, कम से कम इस बारे में बात तो करोगे। जैसे मैंने एक बार मजाक में कहा था ना कि अगर मेरा पुतला कोई जला दे तो सोचिए मैं कितना बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँगा, है न्यूज़ में आएगा कि यूट्यूबर कृष्णा जो टैरो रीड करते हैं उनका पुतला फला जगह पर जला दिया गया। तो अच्छी और बुरी दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं होती, हर चीज़ अच्छी हर चीज़ बुरी है, आपके नज़रिए पर डिपेंड करता है। आप इंसानों के नज़रिए से देखते हैं तो कहते हैं राम ने राक्षसों को मार के बहुत पुण्य का काम किया, राक्षसों के नज़रिए से देखिए तो कहेंगे अरे बड़ा गलत काम किया, सबको मार डाला। ठीक, आप इंसान के नज़रिए से देखें तो आप कहेंगे कि जो लोग बुरा करते हैं उनके साथ बुरा होना चाहिए, लेकिन बुरे लोगों के नज़रिए से देखें तो वो कहेंगे कि हमारे ऊपर तो जी दुनिया का अत्याचार चल रहा है। तो इसलिए अच्छा और बुरा आपके नज़रिए पर डिपेंड करता है। तो यहाँ आप अपने पास्ट से अपने आप को डिसकंटिन्यू करें और अपने अंदर गिल्ट को ना बनने दें, आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। आपके माइंड में कुछ ब्लॉकेज आ जाती हैं, ब्लॉकेज कैसी आती हैं, ब्लैंक हो जाते हैं एकदम, अरे दो साल बाद मेरा क्या होगा, कहाँ जाऊँगा मैं, क्या करूंगी, कुछ सुझाई नहीं देता अचानक से, तो वो जो ब्लैंकनेस आती है ना उस ब्लैंकनेस को एंजॉय करें। अलग चीज बता रहा हूं, कैसे उसका फायदा क्या है मैं समझाता हूं। पहले अभी ये इंटरफेयर कर दिया रिबर्थ और फ्लोरिंग ने। अगर आप अपने भविष्य के प्रति स्वयं के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं, रुको थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अगर अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए स्वयं के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं, मतलब अपने ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं और अनंत में नहीं, अब वो मैं उनकी लैंग्वेज ना बोलूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इजी करता हूँ, और ऐसी चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे लेकिन मन कहता है दिल कहता है कि सही है और करना चाहिए, तो आपको एक्चुअली सफलता से कोई नहीं रोक सकता। ये तो कह रहे थे अनंत में छलांग लगाने को तैयार है, तो अभी इसका मीनिंग समझाना थोड़ा मुश्किल होता ना, आप समझ ना पाते, कह रहे अनंत में कहाँ छलांग लगानी, छत से नहीं, छत से छलांग नहीं लगानी किसी को, ठीक है टेबल वेबल से छलांग भले लगा सकते हैं 2-3 फीट की ऊंचाई से। अच्छा दूसरी चीज आपके लिए क्या है, फ्यूचर में आपके लिए अच्छा और बुरा, या दूसरे ढंग से बता दूं पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीजें आ सकती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको पॉजिटिव चूज करना है या नेगेटिव चूज करना है, ये सब कुछ एक्चुअली आपके दिमाग पर आपके मन पर डिपेंड करेगा, इसलिए अपने मन को पवित्र और शांत रखने की कोशिश करें। यही चीज माइंड का कार्ड कह रहा था, जब मैं दोबारा लौट के आता हूँ ना इधर पे तो ये बताता है माइंड की जो ब्लॉकेज है
कहीं कहीं आपको रोक देता है, ब्लॉक कर देता है कि बस अब आगे मत सोचो, फ्यूचर कैसा होगा, क्या होगा, पता नहीं, अज्ञात में क्या है, जो देखा नहीं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये सारी चीज़ें सिर्फ दिमाग की कल्पनाएं हैं, दिमाग आगे झांक नहीं सकता ना फ्यूचर में, दिमाग आगे की कल्पना करके खुद को डरा सकता है, दिमाग अपने आप को पीछे खींच सकता है। इमैनुअल कांट और भी कई फिलोसफर्स थे जिन्होंने ये प्रूव किया था कि हम अपने माइंड को क्रॉस करके आगे नहीं जा सकते, वी कैन नॉट क्रॉस आवर लिमिट ऑफ आवर माइंड, वी नेवर एवर कैन क्रॉस द लिमिट ऑफ आवर माइंड। तो मतलब इसका हुआ कि हम अपने दिमाग की जो लिमिटेशंस है उसको क्रॉस करके उस पार नहीं झांक सकते, और ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आप अपने माइंड से आगे नहीं जा सकते, जितना दिमाग सोच सकता है बस वहीं तक आप जा सकते, उसके आगे नहीं जा सकते। लेकिन भारत का जो फिलॉसफी है, हिंदुओं का, यानी हिंदू नहीं कहेंगे, सनातन का कहें, ठीक है, सनातन धर्म की जो फिलॉसफी है, अकॉर्डिंग टू दैट फिलॉसफी कि व्हाट इज बियॉन्ड द माइंड, इसी एक क्वेश्चन पर हमारी पूरी फिलॉसफी स्टैंड करती है। यही बेस क्वेश्चन है हमारी फिलॉसफी का, दिमाग के पार क्या है, उधर क्या है, इधर का तो हमको पता है ना सब कुछ, इतना तो हम भी जानते हैं यहां से लेकर यहां तक, बस इसके आगे क्या है। ना सदी सूक्तों में भी कहा गया है, जब कुछ भी नहीं था सृष्टि में, ना पानी थी, ना हवा थी, ना ब्रह्मांड था, तब क्या था, कौन था, कहां था, किसने, मतलब जब तो ये जल भी नहीं था, उसमें है ना सदी सूक्तों में, तब क्या चीज़ें थी। तो पाइल नंबर टू आपके लिए इतना ही, आपके लिए सिंपल इन्फॉर्मेशन। मैं क्लोज करने से पहले एक बार मुझे लगा कि बता दूं कि आप जिस जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं वो जॉब आपके लिए अचीवेबल है, अगर आप अपने टारगेट्स पर पूरी तरह फोकस्ड रहते हैं तो। अगर आप अपने माइंड में किसी भी तरह के ब्लॉकेज को नहीं आने देते हैं, 2 साल बाद 1 साल बाद आगे क्या होगा इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होते हैं, प्लान कर लेते हैं, आपकी जॉब लगी तो आप ये करेंगे, नहीं लगी तो आप ये करेंगे, बिल्कुल प्लान कर लेते हैं, तो चीज़ें आपके अनुसार परिवर्तित होंगी। लेकिन अगर आप अनप्लान्ड वे में आगे बढ़ते हैं तो अभी वर्तमान में आप कितने भी होपफुल हैं, फ्यूचर में आप फेल हो जाएंगे। इसलिए इस होप को आगे की होप में भी कन्वर्ट करें, आपकी प्रेजेंट की होप आगे तक कन्वे नहीं हो रही है। इसलिए इतनी सारी मैंने रीडिंग करी, जेन कार्ड से आपको इन्फॉर्मेशन दी, और आपको अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना होगा कि आप बिल्कुल भी अंधकार में नहीं हैं, बिल्कुल भी डिप्रेस कंडीशन में नहीं हैं, चीज़ें अभी भी आपके फेवर में हैं, चीज़ें अभी भी आपके कंट्रोल में हैं, और भविष्य को सुधारा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये भविष्य सुधारने के लिए आया है, अगर नहीं आया होता तो मैं आपको मना कर देता कि नहीं होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो पाइल नंबर टू आपके लिए इतना ही आज के वीडियो में। आज का टॉपिक, आज का सब्जेक्ट आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर किसी और टॉपिक को लेकर के सुझाव हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर दें, व्हाट्सएप पर सीधे सीधे अपना नाम, अपनी सिटी लिख करके, सजेस्टेड टॉपिक करके लिख दें, वो हमारे पास रिकॉर्डेड ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे लग रहा है कि यूट्यूब पर जो सजेशंस आ रहे हैं यूट्यूब कमेंट्स में, वो कुछ थोड़े थोड़े मिस हो रहे हैं, तो व्हाट्सएप पर एक्चुअली एक जगह मिल जाता है, और उस यूट्यूब कमेंट में कभी कभी स्क्रॉल करके बहुत खोजना पड़ता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर आप ऐसा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो खैर, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी पाइल नंबर टू, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर थ्री, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर प्रिंस ऑफ द वॉन्ड्स को चूज किया था, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तब आपके लिए मैं रीडिंग करूंगा और आपको बताऊंगा कि जिस एग्जाम में आप बैठने वाले हैं अपनी जॉब को लेकर के, अपने जॉब से जुड़े मामले में, उस एग्जाम में आपका फ्यूचर एक्चुअली क्या है, आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका क्या परिणाम आपकी लाइफ में हो सकता है। चलिए तो देखते हैं पाइल नंबर थ्री। पहला कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है मजिशियन। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए नाइट ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर थ्री आपके लिए आया है डेविल। नंबर फोर आपके लिए आया है फोर ऑफ द पेंटिकल्स। और लास्ट में आपके लिए कार्ड आया है द मून। तो पाइल नंबर थ्री आपके लिए 5 कार्ड्स यहां पर आ गए हैं। आपको पहले बता दूं कि ये जो भी जॉब के लिए आप एग्जाम देने वाले हैं, ये जॉब आपकी डेस्टिनी में नहीं है, इस वजह से आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। चीज़ें जब डेस्टिनी में होती हैं तो थोड़ी सी मेहनत कम लगती है, चीज़ें जब डेस्टिनी से बाहर होती हैं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है। हालांकि आपके प्रयास काबिले तारीफ़ रहे हैं, लेकिन बीच में जो गैप आया, बीच में जो झोल आया, बीच में जो लोचा आया, उसकी वजह से इनसिक्योर फीलिंग में अब आप फंस गए हैं और अब आपको समझ नहीं आ रहा कि फ्यूचर में होगा क्या।
तो फ्यूचर में क्या होगा इसको डिटेल में जानने के लिए जेन कार्ड्स की भी हेल्प लेने वाला हूँ। फाइल नंबर 3, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। एक्चुअली मुझे देखकर खुशी हो रही है कि पास्ट में आपने अपने इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए काफ़ी एफर्ट्स किए, काफ़ी अच्छी प्लानिंग की और काफ़ी सही ट्रैक पर थे, बस वो बीच में जो झोल आ गया उसने सब कबाड़ा कर दिया। और झोल भी क्या आ गया, मन में ही ऐसी बातें आ गई कि आप अपने डिस्ट्रैक्शन को एक्चुअली में नहीं रोक पाए। पहला कार्ड आपके लिए द आउटसाइडर। अब देखिए कार्ड भी आपके लिए जेन से ऐसे आ रहे हैं जो आपको डांटने वाटने के चक्कर में है। मैच्योरिटी दूसरा कार्ड। तीसरा कार्ड आपके लिए लो आ गए, गोइंग विद द फ्लो। और चौथा कार्ड आपके लिए आइसोलेशन। मेरा चेहरा देखकर आपको लग रहा होगा कि मैं इन कार्ड से खुश नहीं हूँ, एक्चुअली नहीं हूँ। और लास्ट में आया है क्लेंजिंग द पास्ट। क्लेंजिंग द पास्ट ये ऐसा कार्ड है जो आज तीनों पाइल में अपीयर हुआ था। तीनों पाइल में इसलिए अपीयर हुआ होगा क्योंकि आप हैं तो एक तरह से स्टूडेंट, या आप कहें कि कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट नहीं कैंडिडेट कहें। कैंडिडेट भी एक तरह का स्टूडेंट होता है, जब तक नौकरी लग ना जाए आप ऑफिसर नहीं बनते, छोटे या बड़े कुछ भी हों लेकिन नहीं बनते। तो क्लेंजिंग द पास्ट का कार्ड कहता है कि जो कुछ आप अपने पास्ट में निगेटिव सोच करके रखे हैं उस चीज़ से हट जाएं। पहला काम यही इतना करना है। दूसरा, द आउटसाइडर मैजिशियन दोनों मिलकर के एक ही बात बताते हैं, वो ये कहते हैं कि आप अगर धारा के विपरीत नहीं चल सकते तो एक्चुअली सफल नहीं हो सकते। धारा में बह के तो बहुत सारे सफल हो जाते हैं, धारा में तैरना बहुत आसान होता है, धारा के विपरीत जाना थोड़ा मुश्किल होता है। वो आपको करना चाहिए और अपनी मैच्योरिटी को कायम रखना चाहिए, हल्केपन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने आप को थोड़ा भी इस चीज़ में इन्वॉल्व करें कि आप थोड़ा रिस्क लेने का प्रयास करें कि चलो रिस्क लेकर देखते हैं, चलो एक बार अपने आप को आजमा कर देखते हैं, तो उस चीज़ में आप अपने आप को सक्सेस होने से रोक नहीं पाएंगे। लेकिन आप क्या करते हैं, चीज़ों और सिचुएशन में फंस कर वहीं रुक जाते हैं। आपको क्या करना चाहिए, चीज़ों और सिचुएशन को देखें, उसमें प्रॉब्लम्स है इसको भी देखें, लेकिन फंसे नहीं, समय की धारा के साथ बहते चले जाएं। समय के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप जैसी कंडीशन अभी आपकी बनी है, इनसिक्योर मोमेंट, वो कंडीशन आइसोलेशन के कार्ड के साथ भी इंटरप्रेट होकर के बता रही है कि ये सिचुएशन आगे बढ़ने वाली है और तकलीफ आपका बढ़ने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि अब दुनिया में कुछ बचा नहीं है पाने को, जो मिलना था वो भी मिला नहीं है। द मून का कार्ड कहता है कि रास्ता तो है लेकिन मुश्किल है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, डेस्टिनी में नहीं है, तो द मून का कार्ड भी कहता है जी रास्ता तो है लेकिन मुश्किल है। और ये मुश्किल भरा रास्ता जो है कठिनाइयों से भरा पड़ा है। अगर आप इस रास्ते पर चलने को तैयार हो जाते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन आप ये जान लें कि 100 में से सिर्फ 5 लोग ही इस पर चल पाएंगे, यानी कि ये थोड़ा मुश्किल मार्ग है। मुश्किल मार्ग इसलिए है कि सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट करके रखना है कि निगेटिव चीज़ें कितनी भी हैं डिस्ट्रैक्शन नहीं लेना। और आज दुनिया हमारी डिस्ट्रैक्शन के ही समझें न्यूक्लियर बॉम्ब पर है एक तरह से, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हमारे चारों ओर है, हर तरफ डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन। मजा है, फ़ोन की घंटी बजती है और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कितना भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हों। एक बात का ध्यान रखना है आपको कि अगर आप अपने एग्ज़ाम के लिए किसी तरह की ऐसी तैयारी कर रहे थे जिसे आपने अभी तक किसी को बताया नहीं है, मतलब जिसके बारे में लोगों को आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो उस चीज़ को अपने पास ही रखें। जितना ज़्यादा आप अपने आप में केयरफुल रहेंगे, अपने आप में आत्म नियंत्रित रहेंगे, चीज़ें उतनी जल्दी जल्दी आपके फेवर में आएंगी। अगर आप दूसरों की सलाह मानकर चलते हैं, दूसरों की बातों पर अमल करके काम करते हैं, तो सिचुएशन के आपके कंट्रोल में आने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ फिर आपको याद दिलाऊं कि समय है अपने आप को थोड़ा सा फ्री करने का। बंधी बधाए रूटीन, बंधे बधाए एक तरह से क्या कहते हैं उसको, धक्कियानुसी ख्यालों के बीच अपने आप को ना फंसाएं। जो चीज़ें आपके जीवन में परिवर्तन लाती हैं उन चीज़ों के साथ अपने आप को तालमेल मिलाएं और देखें आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो जॉब है इसको आपको मिलने के चांसेस थोड़े कम हैं, लेकिन असंभव नहीं है। कोशिश करेंगे तो शायद आपको ये मिल जाए, अदरवाइज इसमें थोड़ी प्रॉब्लम तो बनी हुई है। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए इतना ही। आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, चैनल को भी लोगों से शेयर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।